डिंग 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 आज मैं आपको बताऊंगा कि कराची में कुछ ऐसी लड़कियां रहती हैं जो किस तरह लड़कों को यूज करती हैं। अच्छा ये मुझे बताएं, वो तमाम लड़कियां जो किसी भी तरह लड़कों को यूज करके कोई उल्टी उल्टी हरकतें करती हैं, क्या उनके फोन नंबर्स यहाँ शेयर कर दी जाएं जो डिफेंस में रहती हैं? डिंग 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 करना वैसे भाई कि आज के बाद जिस लड़के को जो लड़की तंग करती है किसी भी तरह उसका आप मुझे बताएं, अगर प्रूफ हो जाएगा उसको जलील हम करेंगे। जैसे अभी थोड़ी देर बाद मैं करने वाला हूँ एक लड़की को। डिंग डिंग। बाप भाई बेटे की कोई इज्जत नहीं है, इज्जत है तो सिर्फ लड़की की। ये कॉन्सेप्ट अब चेंज करना पड़ेगा। आज आपको हम कुछ लड़कियों से मिलाएंगे जो कमीन। आज हम उन लड़कियों की आईडीज, उनके फोन नंबर्स शेयर करेंगे जिन्होंने लड़कों को यूज किया किसी भी तरह और इस्तेमाल करके फिर गड़बड़ की। कुछ लड़कियां जो शादी होने के बावजूद दूसरे लड़कों पे लाइन मारती हैं और लाइन मार के गड़बड़ करती हैं, उनकी सब कुछ अभी शेयर करने वाला हूं मैं। देखें आप, क्या आप चाहते हैं ऐसी लड़कियों के नंबर्स हर चीज शेयर की जाए जो लड़कों की इज्जतों से खेलती हैं? बताएं मुझे। कराची डिफेंस की बहुत सारी लड़कियां, इंडस वैली की खासतौर से, सॉरी इंडस वैली की सिर्फ एक ही लड़की है जिसकी शादी होके वो अमेरिका चली गई है और अब वो हर लड़के को यूज करती है। कैसे? न्यू जर्सी में रहती है, अभी बताता हूँ कौन। मुझे हैरानी होती है किसी का मियाँ उसे इतना खुश रखता है, उसके बावजूद वो इतनी अच्छी जगह से पढ़ी हुई है, माँ बाप भी इतने अच्छे बैकग्राउंड से है, उसके बावजूद घटिया हरकत करती है। उसकी आईडी शेयर करना और नंबर शेयर करना बनता है। तो अब से कोई भी लड़की अगर आपको दुनिया में कहीं भी तंग करती है, आपका यूज करती है किसी भी लड़के का, आप उसकी डिटेल दें। अगर वो ऐसी करप्ट निकलेगी तो उसको जलील करना हमारा मिशन है। ऐसे हो नहीं सकता कि लड़कियां लड़कों की इज्जत से खेलें और बच जाए। आज से नया रूल शुरू, कोई लड़की किसी से खेलेगी उसकी इज्जत उछालेंगी। जैसे अभी उछाल लेता हूँ, जैसे मेरे पास एक केस आया कि एक लड़की है जिसकी शादी हुई है, इंडस वैली से पढ़ के वो न्यू जर्सी गई है और वो लड़कों को यूज करती है अपने कामों के लिए। क्यों? उसके हस्बैंड का नंबर पहले लेना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि यार तुम इतने अच्छे हो फिर भी तुम्हारी बीवी ऐसी, ऐसा तुम्हारे घर में क्या होता है जिसकी वजह से तुम्हारी बीवी ऐसी निकल रही है? क्यों? कोई लड़का अगर किसी लड़की की इज्जत से खेले और वो शादीशुदा लड़का हो तो माँ बहने की हो जाती है, लेकिन लड़की अगर ऐसे करे उसकी इज्जत उछालना बनती है। डिंग 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 डिंग। बहुत मजा आने वाला है थोड़ी देर में। लड़कियां तो बस वो जो खासतौर पर न्यू जर्सी वाली है ना, उसने जो हरकत की उसके बाद नहीं बचने वाली। मतलब प्रोस्टिट्यूट ज्यादा बेहतर होती हैं, लेकिन जिस लड़की की मैं बात बता रहा हूँ ना आपको, ये ऐसी है कि हजारों लड़कों से खेल रही है। अभी बताता हूँ। अच्छा, ऐसा कितने लोगों को लगता है कि किसी की शादी हो जाए, उस शादी के बाद उसका सब कुछ सही चल रहा हो, फिर भी वो दूसरे लड़कों को यूज कर रही हो, उनसे पैसे ले रही हो, उनकी ऐसी तैसी भेज रही हो, उन्हें एक्सपोज करें या ना करें, ये बताएं। मेरी रिक्वेस्ट है उमायमा सुहेल के हस्बैंड जो न्यू जर्सी में रहते हैं, काइंडली आप मुझसे रब्ता करें, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। उमायमा सुहेल वही हैं जो इंडस वैली में पढ़ती थी और शादी होने के बाद न्यू जर्सी चली गई। साइकोटिक इनका मसला है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लड़के इनकी कंप्लेंट कर रहे हैं, प्लीज़ रब्ता करें। काफ़ी सारे लड़कों के दरमियान कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं और काफ़ी सारे लड़के हैं जिनके पास इनके स्क्रीन शॉट्स हैं, तो प्लीज़ सुहेल साहब रब्ता करें। नहीं, मैंने ये सोचा है कि किसी को भी एक्सपोज करना या ये करना घटिया हरकत है, किसी भी पिक्चर से इस तरह स्क्रीनशॉट दिखाना, इसलिए हर एक के हस्बैंड से बात करूंगा जो भी लड़के उल्टी बात कर रही होंगी अब। तो उमायमा सुहेल के जो भी हस्बैंड न्यू जर्सी में रहते हैं, सर ज़रा रब्ता करें, दो तीन वीडियोज़ हैं वो आपसे शेयर करनी है ताकि आपको अंदाज़ा हो रहा क्या है। अच्छी सी तुम्हारी दुआ जो जो दोस्त जो है ना जेंडर पर बैठी हुई किसी लड़के से, देखे जा रही है, देखे जा रही है, देखे जा रही है, सोच रहा हूँ जाऊँ नहीं जाऊँगा।